आरा में एक युवक के द्वारा अनोखा एवं सराहनीय स्टार्टअप किया गया है। यहाँ पर फैब्रिक वेस्ट बेकार कपड़ा से पोर्ट बनाने का कार्य शुरू किया गया है। बिहार का पहला फैब्रिक वेस्ट से प्रोडक्ट तैयार करने वाला युवक का नाम सौरभ कुमार है। ये अमेठी यूनिवर्सिटी से एंटरप्रेन्योर MBA किए हैं। अब खुद का काम होम अलाव डेकोर उद्योग शुरू किए गए हैं। इनके प्रोडक्ट की पूरे बिहार व देश के अन्य राज्यों से खूब डिमांड आ रहा है। सौरभ कुमार आरा के जगदेव नगर मोहल्ले के रहने वाले हैं। इस उद्योग में उनकी माँ भी बखूबी साथ देती हैं। घर के ऊपर ही वर्कशॉप बनाया गया है। कुछ कार्य इनके पैतृक गांव में भी होता है। इसके अलावा इनका आउटलेट पटना के बेली रोड पिलर नंबर 18 के समीप भी है। इसके अलावा इनका प्रोडक्ट इनके खुद के पेज www.homealloydecor.com पर भी मिलता है। सोशल मीडिया और फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से भी बेचा जाता है। क्या है फैब्रिक वेस्ट? तो सबसे पहले फैब्रिक वेस्ट का मतलब होता है बेकार कपड़ा, जिसमें आम कपड़ा, तौलिया, शर्ट, पैंट, कंबल, ये सारी चीज़ें होती हैं। कपड़ा के अलावा वाइट सीमेंट, माइनर कले, वाटर प्रूफ पेंट, अन्य कुछ सामग्री का इस्तेमाल कर इसे 12 स्टेप में हाथ से तैयार किया जाता है। प्रोडक्ट तैयार होने पर इस पर हाथों से कलाकारी और पेंट कर इसे खूबसूरत बनाया जाता है। उसके बाद ये मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। 150 रुपये से 3000 तक का उपलब्ध रहता है। सौरभ के उद्योग में 10 लोग रोजगार प्राप्त हैं, जिसमें 6 महिला और 4 पुरुष हैं। हमारी कंपनी वेस्ट फैब्रिक्स हो गई या और भी अदर वेस्ट हो गई, जिसे रिसाइकिल करने में जनरली रेफर कोई नहीं करता, उसका यूज करके हम एक यूजफुल, यूनिक और आपका डिजाइनर पॉट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, जिसमें आप नेचुरल प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि ये फुली टॉप वाटर प्रूफ होती है, ये आपको पानी से नहीं गलेगी। और इसका एक और बेनिफिट होती है, जैसे ये पॉट्स हो गई, जस्ट लाइक अगर सेरेमिक पॉट्स है, अगर वो गिरती है तो टूट के अलग हो जाएंगे, पर ये गिरेंगे तो ये अलग नहीं होंगी, माइनर क्रैक होगी, जिसे आप जनरली फिर भी यूज कर सकते हैं, कोई आप रिपेयर भी नहीं कर सकते, फिर भी आप यूज कर सकते हैं। और हमारी है कि जैसे हम लोग, होता क्या है कि कोई अगर हमारे फंक्शंस में आए तो उन्हें मोमेंटो के रूप में हम बुके देते हैं, फ्लावर बुकेस, तो वो लेते हैं और वन टाइम यूज करके उसे रख के चले जाते हैं या फिर किसी और को देके, मतलब उसका यूज नहीं कर पाते। और हमारा मोटिव ये भी है कि हम अब इस प्लांटर्स में लाए नेचुरल ऑक्सीजन जो प्लांटेड है वो लगा कर और उनको गिफ्ट के रूप में दें। कोई भी कोई गिफ्ट लाता है और वो उसे ले जाके अपने घर पे रखेंगे, जिससे उन्हें मेमेंटो के रूप में याददार भी रहेगा कि मैं ये लेके गया था। और साथ में नेचुरल फ्रेंड भी है, फ्रेंडली होगी, जैसे आपका ऑक्सीजन प्लांटर, हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसमें प्लांट लगाने के लिए ऑक्सीजन प्लांटेड जो होती है, जैसे स्नेक प्लांट्स, मनी प्लांट्स एंड अदर रबर प्लांट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कहाँ इसको आप सेल कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारे सेल्स के हमारी खुद की वेबसाइट है homealivedecor.com के नाम से, और दूसरी सोशल मीडियाज की हमारी हैं, वो लिंक्स है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और आपका मेरा पटना में एक आउटलेट है जो कि बेली रोड पिलर नंबर 18 के पास अवेलेबल है, जो वहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स पॉट्स अवेलेबल हैं, और वहाँ पे नर्सरी होने के कारण आप वहाँ से दोनों अवेलेबल कर सकते हैं, पॉट्स और प्लांट। हाँ, और हमारे पास होम डिलीवरी भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको होम डिलीवरी अवेलेबल करा सकते हैं, और बल्क में किसी को चाहिए तो उसमें हम लोग डिस्काउंट भी अवेलेबल कराते हैं। MBA की पढ़ाई करने के बाद फिर अपना खुद का स्टार्टअप करने का कैसे आइडिया? जनरल सी बात है, MBA मींस आप कुछ मैनेजमेंट या कुछ अलग करने के लिए, मेरा शुरू से था, और मैंने MBA भी किया एंटरप्रेन्योरशिप से, जो कि कुछ क्रिएटिव, कुछ स्टार्टअप थ्रू ही किया जा सकता है, तो मैंने MBA इसी कारण से किया, तो मुझे खुद का अपना एक स्टार्टअप शुरू करना था। ये वेस्ट को यूज करने का कैसे आइडिया? देखिए, हुआ क्या कि हमें एक स्टार्टअप शुरू करना है, तो क्या किया जा सकता है, मैं सोचा बहुत सारे आइडियाज हैं, पर सभी को रिसर्च किया, पर मुझे हुआ कि कुछ ऐसा किया जाए कि एनवायरमेंट को एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो और साथ में बहुत सारे रोजगार उत्पन्न हो।
और इस कारण हमने डिसाइड किया, बहुत सारे रिसर्चेज किए और एक्सपेरिमेंट किया। तो मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो फैब्रिक्स मुझे एक ऐसा अदर ऐसा यूनिक प्रोडक्ट मिला जिसका कोई यूज करके कुछ बनाता नहीं था। वेस्ट फैब्रिक का प्लास्टिक का बनता है, अदर वेस्ट का कुछ ना कुछ तो बनाया जाता है, पर वेस्ट फैब्रिक से मोस्टली कोई डेकोरेटिव आइटम्स प्रैक्टिकल नहीं बनता था। तो फिर हमने उसे लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था। अप्रोक्स मोर देन वन ईयर का हमने एक्सपेरिमेंट किया, उस पर एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, मॉडिफिकेशन, बहुत सारे स्टेप किए। फिर हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया जो कि वो मार्केट में जो सेल हो सके और जिसको प्रैक्टिकल यूज हो सके। और आपका और हमारे वेस्ट तो अभी आगे का क्या प्लान है? हाँ, अभी आगे का प्लान है कि इसको पैन इंडिया क्या ग्लोबली ले जाना है। अभी तो हमारे वेबसाइट के थ्रू पैन इंडिया जाएगी और हमारी एक कॉन्टेक्ट हुई है मैम, उनके थ्रू एक्सपोर्ट के लिए बात चल रही है जो कि यूएसए में और अदर स्टेट में कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल्स भी हमने अवेलेबल कराने को सोचा है कि हमारा एक आउटलेट होगा छोटा सा जो कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप कहीं भी एक छोटा सा स्पेस लेकर वहाँ पर आप लगा के और यूनिक प्रोडक्ट के रूप में आपको सेल करने में भी बुरा नहीं लगेगा कि क्या है सेल करें, आप कोई भी इसको सेल कर सकता है स्टैंड। और हमारे जो वर्कर्स हैं उसमें मोस्टली महिलाएं काम करती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में तो 100% महिलाओं को ही प्रेफर किया जाता है। हाँ, मार्केटिंग में मिक्सअप रहते हैं जेंट्स और, पर मैन्युफैक्चरिंग में आपका महिलाएं को ही, क्योंकि महिलाओं में होता है कि जेंट्स तो कहीं बाहर जाके काम करने लगे पर महिलाएं अपने घर पे ही रहती हैं, तो उनको जॉब दे के उनको ट्रेनिंग दी जाती है, रोजगार ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार के दिया जाता है। और जो कि एजुकेशन मैटर नहीं रखता उनके लिए, हमारे और एजुकेशन मैटर नहीं रखता, बस उन्हें ट्रेंड होना चाहिए।